बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको सिखाने लगी हूँ स्पाइसी क्रिस्पी चिकन चंक्स। उसके लिए मैंने ये चिकन ले लिया है, ये तकरीबन होगा मेरे पास 200 ग्राम और उसके मैंने ये छोटे छोटे से चंक्स काट लिए हैं बाइट साइज़ के। उसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है और 1/2 टीस्पून मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। ठीक है जी, ये मेरे पास 1/2 टीस्पून सोया सॉस है, मेरे पास 1 टीस्पून काली मिर्च है पिसी हुई, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च है पिसी हुई और 1/2 टीस्पून मेरे पास नमक है। तो चलिए दिखाते हैं इसे बनाना कैसे है। जी व्यूअर्स, मैंने जो आपको चिकन दिखाई थी वो मैंने अपने चूल्हे पे रख दी है और जब ये अपना थोड़ा कलर चेंज कर लेगी तो फिर हम इसमें सारी स्पाइसेस डाल देंगे जो मैंने आपको दिखाई थी, और फिर थोड़ा सा 1 या 2 टेबल स्पून पानी डाल के तो इसे रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। जी तो ये चिकन का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें सारी स्पाइसेस डाल देते हैं अपनी, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च पिसी हुई और ये हमारा चला गया इसमें सोया सॉस। इसे हम कर लेंगे अब मिक्स। जी व्यूअर्स, ये जो हमारा चिकन है ये गल चुका है और आपने भी इसको इसी तरह बिल्कुल ड्राई कर देना है क्योंकि अब हम इसे कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स में और अंडे में, इसलिए आपका ये चिकन ड्राई होना चाहिए। जी तो ये हमारा चिकन जो था ये हमने ले लिया है, ये ठंडा हो गया है। ठीक है जी, और हमने इसको किस में कोट करना है, ये मैंने 4 टेबल स्पून मैदा लेके उसमें 1 टेबल स्पून चावल का आटा डाल दिया है, ये मेरे पास थोड़े ब्रेड क्रम्स हैं और ये मैंने 2 अंडे अच्छे तरीके से फेंट लिए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आपने ये चिकन का पीस आपने लिया एक, आपने उसको पहले इसमें कोट किया, ठीक है, मैदा और चावल का आटा, उसके बाद आपने इसे डाल दिया अंडे में और फिर इसे आपने ब्रेड क्रम्स में कर दिया कोट। ठीक है, इसी तरह आपने सारे अपने चिकन के पीसेस को कोट करके रख लेना है। जी तो मैंने अपने ये सारे जो चिकन चंक्स थे सबको मैंने कोट करके रख लिया है और हम इन्हें करेंगे फ्राई। ठीक है, और इसे बहुत देर तक फ्राई नहीं करना क्योंकि चिकन तो इसमें गला हुआ ही है, तो बस हमें इसे कलर देने तक फ्राई करना है जिसमें 10 से 12 सेकेंड्स ही लगते हैं और ये फटाफट इस पर कलर आ जाता है। ठीक है जी, जी व्यूअर्स, ये मैंने अपने फ्राई पैन में ऑयल ले लिया है जो कि गरम कर लिया है मैंने और अब मैं इसमें ये अपने चिकन चंक्स डालने लगी हूँ। मीडियम आंच रखनी है आपने, इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक हम कर लेंगे फ्राई। ठीक है जी, और फिर मैंने डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ फ्राई करके सारे। जी तो ये हमारे क्रिस्पी चिकन चंक्स तैयार हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।